मैं कहती हूँ कि आप जब भी कोई काम करने लगे हैं तो 5-10 मिनट अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके बिस्तर पे लेट जाएं, कॉफ़ी का मग पकड़ लें, चाय पी रहे हैं, वॉक करें, लेकिन अपने आप को एक लम्हे को सोचें कि मुझे ये काम करना भी है या नहीं करना है। मैं हूं आपकी होस्ट मुआफिया मलिक। हम और आबिद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY ट्रेनिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हजारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। हमारे इस शो का मकसद ही यही है कि हम आप तक जिंदगी के हर पहलू के बारे में कोई ना कोई मालूम पहुँचा सकें। और PNY ट्रेनिंग का एक पोर्टफोलियो है PNY पिंक, जिसमें हम टारगेट करते हैं खवातीन को, किस तरह से खवातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को ग्रूमिंग की तरफ लेकर जा सकती हैं। हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं वो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, तो हम उनसे जानेंगे उनकी लाइफ की जर्नी और जिस तरह से वो डिफरेंट एक्सपोजर्स कर रही हैं, डिफरेंट टीम्स के साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को लेकर चल रही हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस उनका चल रहा है। और बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हम उनसे उनके बारे में भी जानेंगे। तो मैं तारुफ करवाती हूँ, मिस फातिमा ताहिर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फातिमा फॉर योर टाइम। अच्छा फातिमा, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि आप इस वक्त करंट क्या क्या कुछ कर रही हैं, क्योंकि आई गेस आप एक NGO के साथ लिंक हैं, उसमें भी कोई फर्दर आगे प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, तो थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताइएगा। बेसिकली जैसे आपको पता है मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, तो प्रायोरिटी तो वही है कि मैंने बीइंग साइकोलॉजिस्ट सर्व करना है, लेकिन इस टाइम मैं एक NGO सर्च फॉर जस्टिस के साथ काम कर रही हूँ। सर्च फॉर जस्टिस के साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में एक मैं उनके साथ एज प्रोजेक्ट ऑफिसर काम कर रही हूँ। वो प्रोजेक्ट बेसिकली फंडेड बाई ह्यूमन अपील है, अमीना प्रोटेक्शन एंड लर्निंग सेंटर के नाम से। एक और प्रोजेक्ट है जो कि अमेरिकन बार एसोसिएशन का है, फिर बाकी डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं यूनिसेफ वगैरह, तो उसमें जो है वो एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट सर्व करी हूँ। ओके, दैट्स परफेक्ट। अच्छा, ये जिस तरह से आपने बताया आप प्रोजेक्ट लेकर चल रही हैं, तो बेसिकली इसका जो एजेंडा है वो क्या है? देखें माफिया, जिस NGO के साथ मैं काम कर रही हूँ सर्च फॉर जस्टिस, ये बेसिकली चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर काम करती हैं। वो चाहे चाइल्ड प्रोटेक्शन में हम सर्विसेज दे रहे हैं, वो चाहे चाइल्ड प्रोटेक्शन में हम अवेयरनेस दे रहे हैं, ये बेसिकली जो है वो चाइल्ड फोकस्ड NGO है। अब इसी इसके अंदर जिन प्रोजेक्ट्स में मैं काम कर रही हूँ, जैसे कि मैंने आपसे पहले जिक्र किया अमीना प्रोटेक्शन एंड लर्निंग सेंटर का, प्रोटेक्शन एंड लर्निंग सेंटर मकसद क्या है? बच्चों को प्रोटेक्ट करना। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि चाइल्ड प्रोटेक्शन फोकस्ड है। अब प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ मोडालिटीज हमने इख्तियार की हुई हैं। वो प्रोटेक्शन के लिए आपको इंगेज करना है, इंगेजमेंट के लिए आपने कोई एक सोर्स रखना है, तो वो सोर्स हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन है। यानी बच्चे अब हमारे पास तो आ रहे हैं, अब उनको प्रोटेक्ट तो हम कर रहे हैं, मतलब क्या 24 घंटे में से अगर 3-4 घंटे एक बच्चा हमारे पास गुजार रहा है, देखिए बाकी के 22-23 घंटों पे तो असर रहेगा उसके ना, लेकिन वो 3 घंटे वो बाहर गलियों में घूमने से बेहतर है कि वो हमारे पास एक प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट के अंदर। अब उसके अंदर वो जो तरीके हम इख्तियार कर रहे हैं ताकि बच्चे हमारे पास इंगेज रह सकें, वो है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन बेसिकली गवर्नमेंट की तरफ से बनाए गए ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें डिफरेंट पैकेजेस होते हैं। यानी एक बच्चा जो नॉर्मली 1, 2, 3, 4, 5 स्टैंडर्ड एक एक साल लगा के पढ़ता है, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में वो क्विकली वो जितना भी टाइम लगा सकता है। अब अभी हमने माशाल्लाह एक केस स्टडी कवर की ह्यूमन अपील के तावन से ही, उसमें एक बच्ची ने माशाल्लाह 6 महीने के अंदर 5 क्लास तक का सिलेबस कवर किया। और वो बच्ची जब फर्स्ट डे हमारे पास आई है तो वो जो है वो अपने नाम भी नहीं लिख सकती थी, और माशाल्लाह 6 माह के अंदर अंदर जो है वो उसने 5 क्लास तक का सिलेबस कवर किया। सो वो एक तरीका है बच्चों के साथ इंगेज करने का। उसके साथ साथ हम बेसिकली हम ये स्ट्रीट कनेक्टेड चिल्ड्रन के ऊपर काम कर रहे हैं। स्ट्रीट कनेक्टेड चिल्ड्रन के अंदर फर्दर आपकी जिप्सी कम्युनिटी आ जाती है, फिर जिस एरिया में हम लोकेटेड हैं उसके सामने बहुत सारे स्लम्स हैं, तो उन स्लम्स के बच्चों को हम टारगेट करते हैं कि जो उन्होंने वक्त गलियों में गुजारना है वो वक्त वो हमारे पास गुजारें, उसमें से कुछ हिस्सा हमारे पास गुजार लें। आपको पता है कि जो बच्चे गलियों में आपको नज़र आएंगे, जो स्ट्रीट कनेक्टेड चिल्ड्रन हैं, स्ट्रीट लिविंग चिल्ड्रन हैं, स्ट्रीट वर्किंग चिल्ड्रन हैं या स्ट्रीट फैमिली चिल्ड्रन हैं, आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं अब्यूज़ के, बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं कि उनके साथ जो है उनको बहुत जल्दी उकसाया जा सकता है किसी भी ड्रग के लिए। तो हम बेसिकली ऑन डेली बेसिस सेशंस कर रहे होते हैं पढ़ाई के नाम पर, यानी पढ़ाई भी एक
सेकेंडरी चीज है, जो प्राइमरी हमारा मोटिव है वो ये है कि बच्चे को सिखाया जाए कि अपनी हिफाजत कैसे करनी है। एग्जैक्टली, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम स्पेशली उन रिमोट एरियाज पे काम कर रहे हैं जो मेरा ख्याल है स्पेसिफिकली उन पे उस तरह से काम नहीं हो रहा। अच्छा फातिमा, ये आपका लाहौर बेस्ड है या जिस तरह से आप शुरू में बता रही थी कि आपकी अमेरिकन बेस्ड है, तो इस पे किस तरह से आप लोगों का वर्क है एक्सेप्ट लाहौर के बाहर भी आप लोग थोड़ा काम कर रहे हैं? अच्छा, माफिया वैसे जो हमारी एनजीओ है सर्च फॉर जस्टिस वो तो पंजाब बेस्ड है। ओके, पूरे पंजाब के मुख्तलिफ शहरों को हम कवर कर रहे होते हैं। लेकिन जिस प्रोजेक्ट की अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ ये बेसिकली ह्यूमन अपील का प्रोजेक्ट है और ये प्रोजेक्ट हमारा शाहदरा में चल रहा है। शाहदरा में फर्दर अगर आपने कभी लाहौर से आने और जाने वाला हर शख्स जब रावी ब्रिज से गुजर रहा होता है तो वो उन बच्चों को देखता है जो कि सदके का गोश्त बेच रहे होते हैं, उनको हम पढ़ा रहे होते हैं। सो बेसिकली हम शाहदरा में सर्विसेज अपनी डिलीवर कर रहे हैं। शाहदरा में हमने फर्दर जो है वो दो स्पॉट्स रखे हुए हैं जहाँ पर हम प्लस हम इन्हीं बच्चों के साथ जो थोड़ी 16 से 25 साल तक की उम्र की बच्चियां हैं उनमें चूंकि अर्ली चाइल्ड मैरिजेस के केसेस आपको बहुत सारे मिलते हैं तो उसमें बहुत सारी बच्चियां हमें बीवा मिलती हैं, तलाक याफ्ता मिलती हैं, ऐसी बच्चियां जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, जिन्होंने कभी पढ़ा नहीं है, तो हम उनको वोकेशनल स्किल क्लासेस दे रहे होते हैं। फिर उसमें हम फर्दर वोकेशनल स्किल क्लासेस में ब्यूटिशन का कोर्स हो रहा होता है, स्टिचिंग का कोर्स हो रहा होता है। तो ये है कि वो बच्चियाँ भी किसी हद तक जब हमारे पास आती हैं, जब वो ऑन डेली बेसिस अवेयरनेस सेशंस ले है, उनको अपनी लाइफ का मकसद पता चल रहा होता है, प्लस फाइनेंशियली वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के काबिल हो जाती हैं। सो बेसिकली एक बात जो है ना, छोटी सी जगह पर बहुत सारे मकसद के साथ एक प्रोग्राम चल रहा है, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा मजेदार आउटकम के साथ। एग्जैक्टली exactly. अच्छा फातिमा, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट इतने इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं जो कहीं ना कहीं हमें एक क्लिक ज़रूर करते हैं कि यार ये इतना हमारे सोसाइटी में या हमारे पाकिस्तान में इतना ऐसा काम नहीं हो रहा और मैं काम कर रही हूँ। और स्पेशली कुछ ऐसी स्टोरीज भी मैं कहूँगी सुनते वक्त हम खुद सेंटिमेंटल हो जाते हैं, गूज़बम्स होना शुरू हो जाते हैं। तो फिर उन चीज़ों से, क्योंकि आप डेली बेस पे ऐसे लोगों के साथ काम कर रहे हो जो कहीं ना कहीं अब्यूज़ का शिकार हुए हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपकी मेंटली फिल्ट्रेशन पे भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है, तो उस चीज़ से फिर किस तरह से निकलते हो आप? देखिए माफिया, जब आप इस तरह के इलाके में काम कर रहे होते हैं, आपको मैंने पहले बताया कि वो स्ट्रीट कनेक्टेड चिल्ड्रन है, एक्सप्लॉयटेशन का शिकार है, अब्यूज़ का शिकार है, उसमें सेक्सुअल अब्यूज़ है, फिजिकल अब्यूज़ है, इमोशनल अब्यूज़ है, तो वो एक तो पहली बात आपको खुद बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है क्योंकि आप एम्पथाइज तो कर रहे हैं लेकिन एम्पथेटिक होते होते आपने अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना, ये बेसिक पॉइंट है। तो इसमें अपने आप को पहले पॉलिश करना पड़ता है। हाँ, समटाइम्स ऐसी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं कि आपको वाकई लगता है कि अभी जिस तरह एक केस के लिए मुझे बर्न वार्ड में जाना पड़ा, तो बर्न वार्ड में उस बच्ची का केस था, उसकी पूरी तौर पर टांगें जली हुई थी, वहाँ पे मैंने और लोगों को देखा जिनके किसी ना किसी अब्यूज़ की वजह से या ख़ुद किसी जो है वो गलत हरकत की वजह से कि मैं चूल्हे के पास बैठ गया आप जल के, तो वो चीज़ इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग थी मेरे लिए कि जब मैं वहाँ से निकली हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने ऑफिस पलट के कैसे जाना है। तो समटाइम्स इस तरह के केसेस में जो बहुत एक्सट्रीम है ना, मतलब आपके सामने एक बंदे की हालत बहुत ख़राब है, तो उस तरह के केसेस में आपको लगता है कि नहीं अब मुझे कोई वे आउट चाहिए ना, आप शॉपिंग कर लें, आप थोड़े रिलैक्स हो जाए, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लें, या आपको एक डे ऑफ ले लें ताकि आप बर्न आउट फेज की तरफ ना जाए, तो वो होता है। लेकिन नॉर्मली इन बच्चों के साथ काम करते करते एक इतनी उनसियत हो जाती है उनके साथ कि पहली बात तो हम उनको वो प्रोटेक्टिव लेयर की तरफ रखते हैं कि बच्चे उस तरफ अब्यूज़ की तरफ जाए ना, लेकिन अगर चले जाएं तो हम चूंकि रूटीन में इस काम में आ चुके हैं, अगर हम कमजोर पड़ जाएंगे तो उनको कौन स्ट्रांग करेगा। तो बस इसी पर्सपेक्टिव के साथ हम दैट्स ग्रेट, बड़ा कि मैं कहूंगी एप्रिसिएशन है आपके लिए भी, क्योंकि अपने आप को हम उस वक्त साइडलाइन रख के अगले को पेन को समझते हैं और उस पेन को खत्म करने के लिए आप एक मसीहा का रोल प्ले कर रहे होते हैं, दैट्स रियली इम्प्रेसिव। अच्छा फातिमा, लास्ट में मैं चाहूंगी बीइंग अ फीमेल, क्योंकि हम आप इतना सोशल एक्टिविस्ट भी, क्योंकि वो आपके प्रोफेशन के साथ भी लिंक है, बहुत से लोग काम भी करते हैं लेकिन अपने आप को प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं किसी ना किसी इश्यूज की वजह से, तो क्या मैसेज देना चाहेंगी आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू स्पेशली गर्ल्स को या यंगस्टर्स को? मैं स्पेसिफिकली कहूँगी कि अपनी लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हैं तो इन इश्यूज़ की वजह से हम अपने आप को स्नब करने की बजाय आगे कैसे बढ़ सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो मैं तो यही कहूँगी कि अपने आप को कभी भी ओवरबर्डन ना करें, पहले तो डिसाइड करें। मैं कहती हूँ कि आप जब भी कोई काम करने लगे हैं तो
पाँच दस मिनट अपने सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करके बिस्तर पे लेट जाएं, कॉफ़ी का मग पकड़ लें, चाय पी रहे हैं, आप वॉक करें, लेकिन अपने आप को एक लम्हे को सोचें कि मुझे ये काम करना भी है या नहीं करना है। वो काम करना है तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं, मैं उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लूँ कि भाई मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। जब आप पहले से प्री डिटर्मिंड हो के काम शुरू करते हैं तो मेरा ख्याल है कि आपके लिए काम करना, काम के इश्यूज़ को, उन चैलेंजेस को पूरा करना, उसके एडवांटेजेस को देखना, वो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि वो जो एक प्री टेस्टिंग है ना आपके काम की, वो बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा वो मैसेज आपने दिया है। और आप जो काम करिए वो ऑब्वियसली एक अप्रिसिएशन के काबिल भी है, एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एज वेल, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। अपनी लाइफ में अगर हमें कुछ ना कुछ करना है तो वही बात है कि अपने आप को कंसिस्टेंट भी रखें और हर चीज़ को सोच समझ के करें, क्योंकि प्री प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ हम आज का अपना सेशन ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू इंटरव्यू के साथ। हमें इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।